बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट टू पेपर नंबर 102। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है। अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को बताता है कि वह अपने राज्य का ही नहीं है वरन विश्व का नागरिक भी है। यह कथन किसने कहा था? गोल्डस्मिथ ने। अंतर्राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा पत्रिका प्रकाशित की गई। अंतर्राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा पत्रिका प्रकाशित की गई 1974 में। कब प्रकाशित की? 1974 में। यूनेस्को के भूतपूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वाल्टर एच सी लेप्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए शिक्षा के उद्देश्य प्रतिपादित किए गए थे। बालकों और बालिकाओं को समाज के निर्माण में सक्रिय भाग लेने के लिए तैयार किया जाए, उनको विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान कराया जाए। और ब दोनों प्रकार। अंतर्राष्ट्रीयता के विकास हेतु प्रयास में कौन नहीं आता है? सांस्कृतिक तत्व ज्ञान नहीं आता है। देखिएगा, नहीं आता है सांस्कृतिक तत्व ज्ञान। छात्रों में अंतर्राष्ट्रीयता के विकास हेतु उसमें स्वतंत्र विचार, निर्णय, भाषा और लेखन की योग्यता का विकास किया जाए। सत्य। अंतर्राष्ट्रीयता के विकास के लिए छात्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं पर वाद विवादों प्रतियोगिताओं का आयोजन की आवश्यकता नहीं है। असत्य। सन 1926 में बौद्धिक सहयोग आयोग की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन अनेक परिषद, कमीशन व एजेंसियां हैं। शिक्षा व संस्कृति आपस में संबंधित हैं। हाँ, एक समय में एक संस्कृति इन तीन अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था में जो नहीं है हो सकती है। लोक संस्कृति। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? संस्कार से, याद रखिएगा। और भौतिक संस्कृति में शामिल है भाषा, कला, संस्कार, ये सभी। व्हाइट के अनुसार संस्कृति एक प्रतीकात्मक निरंतर संचयी प्रगतिशील प्रक्रिया है। संस्कृति अधिव्यक्तित्व तथा अधिजैविक होती है। मुर्डोक के अनुसार सामाजिक परिवर्तन कितनी अवस्थाओं से गुजरती है? चार। संस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, किसने कहा था? डॉसन तथा गेटिस ने। शैक्षिक परिवर्तन अन्य सामाजिक परिवर्तनों को आरंभ करने की बजाय उनका अनुगमन करता है। यह कथन किसका है? जिन्सवर्ग का, मैकाइवर का, ओटावे का। ये कथन किसका है? ओटावे का। सामाजिक परिवर्तन के अंदर कौन से परिवर्तन आते हैं? ये सभी परिवर्तन आएंगे। सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। सामाजिक
परिवर्तन के प्रतिमान हैं। ये सभी संचयी चक्रीय उतार चढ़ाव सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। सामाजिक परिवर्तन का रूप नियोजित तथा अनियोजित हो सकता है। भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति बदलने पर सामाजिक परिवर्तन होता है। सभी परिवर्तनों का रूप स्थायी नहीं होता है, समय के साथ साथ स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। उपरोक्त सभी सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। किसने कहा था? मैकाइवर व पेज तथा पेज। किस आयोग ने सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन के लिए शिक्षा को एक शक्तिशाली साधन के रूप में प्रयुक्त करके शिक्षा के योगदान के यप में परिभाषित किया था? कोठारी आयोग ने। कौन आयोग? कोठारी आयोग ने। आंगवर्न ने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृति में विभाजित किया है। सामाजिक परिवर्तन की दूसरी अवस्था सामाजिक स्वीकृति और चयनित विलोपन तथा तीसरी अवस्था है। सामाजिक परिवर्तन की दूसरी अवस्था सामाजिक स्वीकृति और चयनित विलोपन तथा तीसरी अवस्था है। निहित स्वार्थ सामाजिक परिवर्तन का एक बाधक कारक है। समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंध के द्वारा एक दूसरे के समीप रहते हैं। किसका कथन है? मैकाइवर और पेज का। संदर्भ समूह का प्रयोग हर्बर्ट हाइमन ने कब किया था? 1942 को। छियासीवें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 21 और या को 21 को किसको शिक्षा को डाला गया है समवर्ती सूची में? याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1885। भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति के जन्मदाता मैकाले हैं। भारतीय समाज जातियों में बटा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा है। शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। उच्च उत्पादकता औद्योगीकरण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यस हाँ। उच्च उत्पादकता औद्योगीकरण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। हाँ, उच्च उत्पादकता औद्योगीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है तथा ये दोनों एक दूसरे से संबंध तथा प्रभावित होते हैं। यह कथन किसका है? यूजेन स्टेले। औद्योगीकरण द्वारा राष्ट्रीय आय में क्या होता है? वृद्धि। औद्योगीकरण मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है अधिक। औद्योगीकरण के प्रमुख विशेषता श्रम विभाजन और क्या है? विशिष्टीकरण। औद्योगीकरण राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करता है। कोठारी आयोग का गठन सन 1964 में किया गया था। आयोग ने अपना
प्रतिवेदन 1966 में प्रस्तुत किया। आधुनिकीकरण कोई दर्शन या आंदोलन नहीं है, इसे स्पष्ट मूल्य अवस्था व्यवस्था हो मूल्य व्यवस्था हो यह तो परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें आधुनिक बनने की संकल्पना निहित है। किसका कथन है? गोरे। आधुनिकीकरण में प्रयोग की जाती है खोज विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, उपरोक्त सभी होगा। आधुनिकीकरण वह सामाजिक परिवर्तन है जिसमें विज्ञान व प्रौद्योगिकी के तत्व होते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक को कुशल व योग्य होने के साथ ही सकारात्मक निर्माणवादी यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास करना होता है। कौन सी विचारधारा बालक की व्यक्तित्वता पर बल देता है? प्रकृतिवादी। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? करीर, CURRERE। उपरोक्त स्थानों की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम शिक्षा जगत का ऋणी है, जानडूबी। प्रयोजनवादी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानने के साथ साथ उपयोगिता के सिद्धांत पर भी बल देता है। उपयोगिता सिद्धांत के समर्थक कौन थे? नन। किसने कहा था जो लोग सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि ज्ञानात्मक क्रियाओं की ऐसी योजना बनाए जिसमें जेल के दृष्टिकोण का स्थान प्राप्त हो? क्रो एंड क्रो। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए मनोविज्ञान पाठ्यचर्या निर्माण में सबसे अधिक बल बालकों की रुचि रुझान तथा योग्यता पर देते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यचर्या का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों से नहीं है बल्कि उसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित होती है। पाठ्य पुस्तक अनुसंधान हेतु केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना हुई थी सन 1954 को। पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का अभिलेख है, कथन किसका है? हॉलक्वेस्ट का। देखिए ये हॉलक्वेस्ट इसका आंसर होगा लेकिन ये दिए हुए द क्योंकि ये किसी में नहीं है तो हेरोलिकट इनके अकॉर्डिंग है। पाठ्यपुस्तक ज्ञान आदतों और भावनाओं क्रियाओं व प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग्य है। पाठ्यपुस्तक अनुसंधान हेतु केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना सन 1954 में हुई थी। पाठ्यचर्या के विकास हेतु शैक्षिक उद्देश्यों की लचीली व्याख्या किसने प्रस्तुत की थी? ब्लूम ने ज्ञानात्मक क्षेत्र में समाहित समस्त प्रक्रियाओं को 6 वर्गों में विभाजित किया था। ब्लूम ने भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य को कितने वर्गों में बांटा था? 5।
ये भावनात्मक क्षेत्र, ये ज्ञानात्मक क्षेत्र, याद रखिए। ज्ञानात्मक क्षेत्र 6 और भावनात्मक क्षेत्र 5। ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में क्रियात्मक क्षेत्र को कितने, अब देखिए एक क्रियात्मक क्षेत्र है, कितने वर्गों में विभाजित किया था? 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने शिकागो विश्वविद्यालय में ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों का वर्गीकरण किया। एनईए, नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ने सन 1918 में शैक्षिक उद्देश्यों के 7 मूल सिद्धांतों को सिद्धांत प्रस्तुत